कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सबके जैसे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीख कबाब की रेसिपी। सीख कबाब के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। ये देखिए, ये मैंने 1 kg तकरीबन लिया कीमा, और 1 teaspoon लिया मैंने नमक, 2 teaspoon ली मैंने कुटी लाल मिर्च, 1 pinch ली मैंने हल्दी पाउडर, और ये 2 medium size के प्याज लेके उनको मैंने चॉप किया। चॉप करने के बाद ये देखिए उनको बिल्कुल ड्राई किया मैंने। ये देखिए, ये पानी निकाल लिया मैंने प्याज का। ये तमाम मैंने साबुत गरम मसाला और सूखा धनिया सारा कुछ लेके इसको मैंने भून लिया। भूनने के बाद फिर इसको मैं तमाम मसालों के साथ फिर चॉप कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। ये 4 अदद हरी मिर्चें, हरा धनिया, और ये तकरीबन 1 tablespoon लहसुन। ये देखिए, तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब मैं इसे ब्लेंड करने लगी हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स। ये देखिए, मैंने मसाले जो हैं जो चॉप करने थे, ग्राइंड करने थे, कर लिए। ये देखिए, गरम मसाला, सारे मसाले जो मिक्स किए थे मैंने, ये ग्राइंड कर लिए। ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन को मैंने चॉप कर लिया अच्छे तरीके से, और इसका पानी ये देखिए मैंने निकाल लिया। अब मैं ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें शामिल करूंगी और मिक्स करूंगी। मैंने प्याज, चॉप प्याज शामिल किए, कुटी लाल मिर्च 2 teaspoon लिया था मैंने, 1 pinch ली मैंने हल्दी पाउडर। ये नमक आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अगर कम हो तो और डाल लें आप, जैसे आपको सही लगे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के अब मैं इनको करूँगी मिक्स। हाथ से मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। ये देखें, व्यूवर्स, वेलकम बैक व्यूवर्स। ये देखें, मैं ये सीख कबाब बना रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इस तरीके से मैंने तमाम सीख कबाब ये देखें बना लिए। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए रखूँगी फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक रखूँगी, फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। बस ये देखिए, मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैं फिर इनको कोयले से धुआं दूँगी। इसके ऊपर ऑयल, अंगारों के ऊपर ऑयल डाला थोड़ा सा। अब मैं इसे धुआं देने लगी हूँ ताकि इसकी बारबेक्यू की खुशबू आए। तो व्यूअर्स, ये देखें मेरे सीख कबाब तैयार हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।